शब्दों का चयन उनको ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में हर क्षेत्र में विकास हुआ है, कोविड होने के बावजूद भी, और 2 वर्ष तक कोविड चलने के बावजूद भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जमीन पर देखे, आज डेवलपमेंट हर जगह रुकी हुई है। और जो बेड़ा गर्क करने का काम तो ये हुआ है, इन 10 महीनों में 10 साल पीछे हिमाचल प्रदेश चला गया है। 1000 संस्थान बंद करना, बेड़ा गर्क किया, जो नौकरी के लिए वादा किया था कि 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, एक पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख बेरोजगारों के लिए नौकरियां देंगी। आज जो नौकरियां जिनको मिली हैं उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, सचिवालय के बाहर धरने पर लोग बैठे हैं, चौड़ा मैदान में धरने पर बैठे हैं, रिच पर धरने पर बैठे हैं, IGMC जाए धरने पर बैठे हैं, जिला मुख्यालय जाए वहां पर लोग धरने पर बैठे हैं, 10 महीने में ये स्थिति। इसलिए कम से कम कांग्रेस पार्टी को, तो इन नेताओं को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए जो बात वो कह रहे हैं उस बात में कितना का तर्क है। हमारी सरकार के लास्ट फेज में भी ये सिचुएशन नहीं थी, अंतिम साल में भी ये स्थिति नहीं, जो आज सरकार के खिलाफ जो माहौल बन गया है नाराजगी का, मुख्यमंत्री का पांव पकड़ करके लोग कह रहे हैं कि बच्चों को 2 जून की रोटी का इंतजाम हमारी नौकरी से होता था, आपने वो नौकरी ही छीन ली। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16